नमस्कार, पेश है आज का इलेक्शन पॉइंट। मैं विज्ञान प्रकाश एक बार फिर रहा। हम बात करेंगे दिल्ली के चुनाव की, लेकिन रोज की तरह आप इंतजार करते हैं 8 बजे। सबसे पहले मेरा अपना पॉइंट, विज्ञान का पॉइंट। दिल्ली के चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होंगे, ये बात मैं इस प्रोग्राम में पिछले कई दिनों से लगातार कहता आया हूँ। इसके सबसे बड़ा कारण है कि क्या दिल्ली की सियासत किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। कल हमने इलेक्शन पॉइंट में यह सवाल उठाया था कि क्या सोशल मीडिया पर होने वाले कैंपेन वोटर्स को प्रभावित करते हैं। इसका एक जवाब आज जरूर मिला, जब यह साफ हुआ कि सोशल मीडिया, रेडियो और टेलीविजन तीनों के कैंपेन के बाद दिल्ली में भारी मतदान सामने आया है। पिछले चुनाव में 57% से ज्यादा वोट दिल्ली में पड़े थे, लेकिन इस बार इससे 10% से ज्यादा वोट पड़ने का मतलब है कि पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा वोटर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने आए। 1993 के चुनाव में दिल्ली में इससे पहले का सबसे भारी मतदान हुआ था, जो तकरीबन 62% था, यानी कि एक बहुत लंबे समय के बाद 60% से कहीं ज्यादा का मतदान दिल्ली के लोगों ने किया है। 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही शीला दीक्षित अपनी उम्मीद को आगे रख रहे अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पर वापस काबिज होने की चाहत रखने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन, ये तीनों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। दिल्ली ने किसे चुना ये तो 8 दिसंबर को साफ हो जाएगा, लेकिन एक बात साफ है कि दिल्ली कुछ बदलाव जरूर मांग रही है अपने नेताओं से और उनकी नीतियों से। एक नजर डालते हैं अभी तक जो अलग अलग एग्जिट पोल्स आए हैं उनकी तस्वीर पर, और वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक जो टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को 29 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 21 सीटें मिलती है। सिर्फ दिल्ली का हम जिक्र कर रहे हैं इलेक्शन पॉइंट में, कोई गलतफहमी मत रखिएगा। आपको 16 सीटें मिलती हैं और अन्य को 2 सीटें मिलती हैं। हम सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं, अलग अलग टेलीविजन चैनल के एग्जिट पोल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। टाइम्स नाउ के बाद हम देखते हैं एबीपी न्यूज जो है उसके एग्जिट पोल में बीजेपी को 32 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 18 सीटें मिलती हैं और आम आदमी पार्टी को 18 सीटें मिलती हैं, 2 सीटें अन्य को मिलती हैं। ये एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल है। इससे आगे अगर हम बढ़े तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज तक का जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को 41 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 40 सीटें मिलती हैं। इस एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी कंफर्टेबल मेजोरिटी से आराम से आगे है और आपको 6 सीटें मिलती हैं, अन्य को 3 सीटें मिलती हैं। ये आज तक का है। इंडिया टीवी का पोल, इसमें बीजेपी को 29 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 21 सीटें मिलती हैं और आपको 16 सीटें मिलती हैं, अन्य के हिस्से में 4 सीटें आती थी। ये 4 प्रमुख एग्जिट पोल मैंने आपको दिखाया, इन सब की एक ही समानता जरूर नजर आ रही है, मुश्किल शीला दीक्षित के लिए। आज के अपने पोल पैनल से मैं आपको मिलाता हूं और रोज की तरह सीधा सवाल है उनसे। आलोक मेहता साहब हमारे साथ आज इस पोल पैनल में हैं, वो संपादक है गवर्नेंस नाउ के, अतुल माथुर हैं, असिस्टेंट एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, मनोज मिश्रा हैं, मेरिटो एडिटर हैं जनसत्ता के, वो हमारे साथ है, बलदेव शर्मा हैं, वो एडिटर हैं नेशनल दुनिया के, वो हमारे इस पोल पैनल में आज हैं, और सिद्धार्थ वर्जराजन है जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ आज के पोल पैनल में। सवाल बहुत सीधा सा इनसे, हर बार की तरह ब्रेक के बाद इसका जवाब मैं आपको दिखाऊंगा। क्या दिल्ली में भारी मतदान किसी बदलाव का संकेत दे रहा है? हमारी कोई एग्जिट पोल नहीं है, हमने आपको बाकी चैनल्स के एग्जिट पोल दिखाए थे, लेकिन हम इस पर बहस करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि जब वोटिंग परसेंटेज हायर होता है, प्रतिशत ज्यादा होता है, तो यह क्या किसी बदलाव, बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। हमारे 2 खास मेहमान आज इलेक्शन पॉइंट में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ संजीर आलम साहब मौजूद हैं जो कि CSDS से जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर अनिल मिश्रा है जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। संजीर आलम, आपसे पूछना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग है 1993 की तस्वीर के बाद आप 7% से कहीं ज्यादा का मतदान देख रहे हैं, जब एक बड़ा
फर्क होता है प्रतिशत में, हम सब जानते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि 5% से ज्यादा का बदलाव बहुत बड़ा होता है किसी भी चुनाव में। दिल्ली के लोग बाहर आए हैं वोट डालने, ये किस बात की, किस बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है संजीव? अभी क्या देखिए, दिल्ली के वोटरों को पहली बार दिल्ली के पॉलिटिक्स के इतिहास में एक रियल सेंस में च्वाइस मिला है, जो एक विकल्प मिला है जो अभी तक नहीं था। तो आप पार्टी का इमरजेंस और उसकी मजबूत स्थिति में होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। बाकी यह है कि जो हायर टर्न आउट आपको दिख रहा है वो कई बातों का मिला जुला असर है और उसमें आप पार्टी का महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है कि आप पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल मेनू में एक आइटम की हैसियत से नहीं है, बल्कि उसने बहुत अनूठे ढंग से वोटर को मोबिलाइज करने का प्रयास किया है। और दूसरा जो मुख्य कारण है वो ये है कि वो है इलेक्शन कमीशन का मैसिव वोटर्स अवेयरनेस कैंपेन, खास करके उन इलाकों को फोकस किया इलेक्शन कमीशन ने जिस क्षेत्रों में वोटर टर्न आउट ट्रेडिशनली काफी नीचा रहा। ठीक है संजीव, आपको वक्त खत्म होता है। प्रोफेसर अनिल मिश्रा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सालों से हम लोग इसको ऑब्जर्व करते आए हैं, डिस्कस करते आए हैं, इतने इलेक्शंस देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि लोग कहते हैं कि जब एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के खिलाफ का मूड कारगर होता है, एंटी इनकम्बेंसी प्ले में होती है, तो लोग फिर घरों से बाहर निकलकर उस सरकार को हटाने का वोट डालते हैं। क्या ये बात दिल्ली पर अप्लाई होती है बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत को देखते हुए? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ठीक है, क्योंकि पिछले चुनाव से ही लगातार वृद्धि हो रही है वोटरों के परसेंटेज में, और इसका कारण जैसे अभी आपने बताया कि सोशल मीडिया और तमाम तरह के जो अभियान चलाए जा रहे हैं वोटर की जागरूकता को बढ़ाने के लिए, उसका एक परिणाम है। दूसरी बात यह है कि आम पार्टी ने इसमें इतनी ऊर्जा और प्रतिस्पर्धा भर दी कि सारे पार्टियों के समर्थक और सारे लोग कैडर वो बड़े उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिए। ये आवश्यक नहीं, क्योंकि पिछले जो सर्वे आए हैं उससे भी यह स्पष्ट हो रहा है कि आवश्यक नहीं कि वोटरों का अधिकतम टर्नओवर ये निश्चित तौर पे नहीं बता सकता कि ये एंटी इनकम्बेंसी वोट ही है। और इसलिए क्योंकि आप अन्य राज्यों में भी ये देखा गया है, और अब वो पहले बात होती थी लेकिन अब उसमें काफी बदलाव है, सकारात्मक वोट भी बहुत बड़े पैमाने पर पड़ रहे हैं लगातार, और विकास के नाम पर और तमाम योजनाओं पर, बिहार में भी देखा गया था पिछली बार, और तीन बार शीला दीक्षित सकारात्मक पॉजिटिव वोट। संजीव, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जैसे प्रोफेसर मिश्रा ने कहा, दूसरा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं कह रहा था कि अगर बड़ा वोट पड़ता है, एक चीज और देखी और मैंने खासतौर पर तमाम असेंबली इलेक्शन में देखा है कि डिसाइसिव वोट भी पड़ता है, निर्णायक होता है। मतलब मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे सकता हूं कि जब मायावती के खिलाफ वोट वहां पर पड़ा तो आप समाजवादी पार्टी को 224 सीटें लेकर आते हैं, तो क्या ये फिर हायर वोटर टर्नआउट से इसको हम लिंक कर सकते हैं या नहीं, डिसाइसिव वोट? जी, ये कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि एक तो है कि एक ट्रेंड है कि लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आते हैं और वोट करते हैं। इसका कोई, अगर आप पिछले 5 चुनावों का अध्ययन करें तो आपको लगेगा कि इसका कोई कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं है। ठीक है, अब अगर आप मध्य प्रदेश का केस लें, वहाँ पे भी टर्न आउट काफ़ी बढ़ा है, हाँ, लेकिन यह है कि जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं और दूसरे जो सर्वेस दिखा रहे हैं वो एक्चुअली प्रो इनकम्बेंसी है। तो इसलिए आप अभी ये कोई नतीजा निकाल नहीं सकते, ये जो दिल्ली में हायर टर्नआउट दिख रहा है वो एक्चुअली एंटी इनकम्बेंसी है। ये कहना मुश्किल। प्रोफेसर मिश्रा, आप दोनों लोग जानकार हैं, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग आपके व्यूज मुझे बड़े दिलचस्प लग रहे हैं। यहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हायर टर्नआउट होता है, संजीव कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि निर्णायक वोट जो है एग्जिस्टिंग सरकार के खिलाफ ही जा रहा है। आप भी इस बात को कह रहे हैं कि बड़े वोट प्रतिशत का मतलब सीधे तौर पर यह नहीं होता है कि बड़ा बदलाव हो रहा है, यह पॉजिटिव वोट भी हो सकता है, यह सकारात्मकता की तरफ भी वोट हो सकता है, लेकिन हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर्स, वोटर्स का ज्यादा जुड़ना चुनाव में, क्या किसी के लिए झुकने की तरफ कभी भी संकेत देता है कि ज्यादा वोटर निकल कर आ रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, एक खास बिंदु पर तब्दीली बदलाव चाहिए?
वास्तव में हम दिल्ली की ही बात कर रहे हैं जी, और इसलिए दूसरे राज्यों की तुलना में नहीं करता। हाँ। लेकिन दिल्ली में ये अवश्य, जैसा कि इन्होंने कहा कि आम पार्टी के आने से यहाँ एक त्रिकोणीय मुकाबला है जो इससे पहले दिल्ली में कभी नहीं हुआ था। एक तो ये बड़ा कारण है क्योंकि सारे लोग बाहर आए हैं, और फिर एक ऐसा समूह बाहर आकर बड़ी ऊर्जा के साथ और बड़े उत्साह के साथ वो भागीदारी ले रहा है जो शायद इस चुनाव से पहले नहीं निकला करता था। इसके साथ ही साथ जैसा हम लोग सब देख रहे हैं कि युवा वर्ग बहुत बड़े संख्या में जुड़ गया है, और युवा वर्ग भी एक सोच रहा है कि निर्णायक भूमिका उनकी भी होनी चाहिए, और वो आवश्यक नहीं कि किस पॉलिटिकल दल, किस राजनीतिक दल से जुड़े हैं, लेकिन वो काफी संख्या में जैसे आप देखेंगे बाहर आए हैं। और अगर आप, मुझे मालूम है वोट, ये बूथ नंबर 49, 61 और 62 पर 95% वोट आज गिरे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और औरतें इतनी बड़ी संख्या में बाहर आई हैं, तो ये सारे चीजों को मिलाकर आप देख सकते हैं कि संजय, एक लास्ट पॉइंट आपसे कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को, राजनीतिक दलों को, चाहे वो क्षेत्रीय हो या बड़े एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्टीज हो, ये समझना जानना जरूरी है कि उनकी रणनीति जो है अब इसकी आदत डाले कि बड़ी मात्रा में लोग बाहर आकर अपने डेमोक्रेटिक राइट यानी कि वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले समय के कंपैरिजन में, तुलना में? अभी कल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हाँ। जिस तरह से टर्न आउट बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। ये जो नए लोग जो वोट करने के लिए आ रहे हैं, हाँ, उनका आउटलुक क्या है, उनका पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, और वो पॉलिटिकल पार्टी से क्या चाहते हैं। जब तक आप उसके आउटलुक को नहीं समझेंगे, तब तक आप एक सही रणनीति जो है, चुनाव जीतने वाली रणनीति नहीं बना पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, और साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बेचैनी का सबब भी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।